तो गाइस मुंबई में गर्मी चालू हो गई है बहुत बिल्ली वाली और हम लोग गाइस वर्ली शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ गाइस ये हमारा नया अपडेट था कि हम और ये सरप्राइज हम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, अभी हमने सब डन कर दिया है। कल हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, फाइनली आपको व्यू भी दिखाएंगे। यहाँ पे जो सामान है सब यही छोड़ के चले जाएंगे हम वहाँ पे, पूरा नया रहेगा एकदम। देख ऐसी बात क्या कर जो पब्लिक भी बिलीव कर सही जाएगा। तू कौन सा बहुत एकदम बिलीवेबल बात कर रहा है, वर्ली शिफ्ट हो रहे चुप कहीं नहीं जा रहे हम मीरा रोड वासी है। इधर भी ढंग से रह रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो मुद्दा ये है कि गर्मी बहुत बहुत भयंकर बढ़ गई है, मतलब एसी के बिना चल ही नहीं रहा मेरा तो, एटलीस्ट मेरा भी भाई। और हम लोग के अंदर का एसी हो गया खराब। यस बहुत गंदी टाइमिंग है उसकी खराब होने की। खराब मतलब खाली नाम के लिए चलता है वो, आवाज करता है वही, गैस खत्म हो गई तो ठंडा नहीं कर रहा है तो वही एसी चल दिया। तो आज देखेंगे ठीक करा पाए तो कराएंगे, बट मेन अभी ऐसा है कि उठे हैं घर जा रहे हैं, अच्छे से खाएंगे पियेंगे, हो सका तो जिम जाएंगे। हाँ यार जिम का बहुत गैप हो गया यार तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है मैं समझ गया। तो फट से जाते हैं घर पे, खाना वाना खाते हैं, मिलते हैं आपको। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अभी होली आ रही है और बहुत साल हो गए, कुछ 7 साल 8 साल आई डोंट नो, मैंने होली खेली नहीं है बहुत टाइम से। सोचा इस बार बहुत अच्छे से होली खेलूंगा। तो गाइस होली से एक और बात याद आई, होली में जो कलर यूज होते हैं, मैं खुद बचपन में जब कलर से खेलता था तो स्किन लाल हो जाता था, खुद में अपन आते थे तो लाल लाल नाखून लाल नाखून लाल। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उस टाइम पे एक प्रॉपर ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा के निकलना चाहिए जिससे कि वो कलर आपके स्किन पे रहना जाए। तो गाइस इस होली में यू कैन यूज वाओ लाइफ साइंस का एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। तो गाइस एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल होता क्या है, एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल कम्स फ्रॉम द फ्रूट ऑफ फ्रेश मैच्योर कोकोनट्स। तो इसको बनाने में जो प्रोसेस होता है इसमें बिल्कुल भी कोई हाई टेम्परेचर यूज नहीं किया जाता या फिर इसमें किसी भी तरह केमिकल यूज नहीं किया जाता, तो ये एक प्योर फॉर्म में होता है। तो इन दिस ऑयल यू गेट ऑल द गुडनेस ऑफ कोकोनट विदाउट एनी। इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोकोनट ऑयल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। हमारे स्किन के लिए एक मॉइस्चराइजर का काम करता है। गाइस इट कैन पेनिट्रेट हेयर फॉलिकल्स इजीली टू, यू कैन यूज इट फॉर हेयर मसाज, आप थोड़ा ऑयल लेके हेयर मसाज कर सकते हैं। गाइस कोकोनट ऑयल हैज एक्सट्रीमली कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड इज बेस्ट यूज इन समर्स। तो गाइस ये मेकअप रिमूवल का भी काम करता है। और गाइस बहुत लोग को पता नहीं होगा बट इट्स अ नेचुरल टीथ व्हाइटनर। तो गाइस आपको करना बस ये है कि आपको एक टेबल स्पून मुंह में रखना है और फिर 2 या 3 मिनट के लिए रुकना है एंड देन स्पिट इट आउट नॉर्मल माउथ वॉश के साथ। यू कैन यूज इट एज अ हेल्दी कुकिंग ऑयल। अ सूदिंग कोकोनट ऑयल मसाज हेल्प्स यू डी-स्ट्रेस, इट हेल्प्स टू कीप योर स्किन सॉफ्ट एंड सपल, कीप योर बॉडी कूल ड्यूरिंग द वार्म मंथ्स, इट ऑल्सो सपोर्ट्स योर बोन एंड जॉइंट हेल्थ। एंड जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये एक मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, होली पे इसे यूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप होली खेलने जा रहे हो तो 10 मिनट पहले आपको ये ऑयल अपने फेस पर हाथ पर अच्छे से लगा देना है, फिर 10 मिनट में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद आप होली खेलने बाहर जाएंगे तो जो कलर्स आपके स्किन को डैमेज होगा वो नहीं होगा। फॉर सम रीजन अगर आप ऑयल लगाना भूल गए तो इसे आप आफ्टरवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को सूथ करने के लिए। तो इस वाओ के किसी भी प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल यूज नहीं हुआ होता है। अगर आपको भी प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके देखो। प्लस गाइस जब भी आप वाओ के वेबसाइट से या उनके ऐप से कुछ प्रोडक्ट मंगाओगे तो प्रोडक्ट के साथ आपको एक सीड पाउच मिलेगा जिसको प्लांट कर आप प्राउड प्लांट पेरेंट बन सकते हो। एंड गाइस बाय 2022 वाओ ने एक ग्रीन हैंड इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि वो 1 करोड़ ट्री प्लांट करेंगे। तो गाइस लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट एंड बी वाओ नेचुरली। तो गाइस एक अच्छा आइडिया है दिमाग में, पिछले बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं अभी 40वीं प्रैंक करने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ और दिमाग खराब हो गया कहना चाहता हूँ। अदनान बहुत टाइम से बचा हुआ है और प्लस सीन ऐसा है कि अदनान गया हुआ है बाहर कुछ काम से अपने बड़े भाई के साथ तो थोड़ा लेट हो गया उसको, क्लियरली काफी लेट हो चुका है। हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इससे हम थोड़ा खेल ले वीडियो का कंटेंट नहीं मिल गया मेरे को। तो जब ऐसा सब हुआ ना लेट हो रहा है, सोचते सोचते ना मेरे को कंटेंट मिल गया। तो सीन ऐसा है कि अभी हम लोग करने वाले अदनान को प्रैंक ऐसा करेंगे कि हम जबरदस्ती उससे जबरदस्ती अपन हम लोग वो इनिशिएट करेंगे उसको और जबरदस्ती लड़ेंगे, इरिटेट करेंगे, कुछ भी ऐसा बोल देंगे ना जिससे उसको बहुत बुरा लगे। ऑब्वियसली बाद में तो सॉर्ट हो जाएगा तो उसको कुछ बुरा नहीं लगेगा, पर कुछ भी ऐसा कुछ भी बोल देंगे जो मुंह में आएगा ना वो बोल देंगे और उसको ना उकसाएंगे बहुत। देखेंगे भाई रोना है
नहीं रोएगा नहीं या तो लड़ेगा, झगड़ा करेगा, मारने मारने आएगा, या फिर ट्राई करेंगे रुलाने का। चलो लेट्स सी। तो अभी एक जगह हम लोगों को बहुत अच्छी मिली है, मेरे वहां प्लेस कर दे फटफट ऋषि। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं माइक वाइक नहीं है मेरे कैमरे में, तो मैं एक जगह ढूंढा है मैंने। गाइस वो जगह ये खाचा, इसके अंदर मैं कैमरा एकदम अंदर घुसा के डालूंगा ना तो किसी को भी नहीं समझेगा, ब्लैक कैमरा है, दिखता भी नहीं है। तो चलो जल्दी से प्लेस करते हैं, और दान थोड़े टाइम में आता होगा, मिलता आपको बाद। लेट हो गया यार, अभी क्या था उधर जिलाड़ी का नाला से पारा गया था। टाइम देख भाई, साढ़े पाँच बजे कोई तो मैं रात में निकला वहाँ गया, फिर हम लोग सब मिले उधर। चलो मैं मेरे काम से थोड़ी गया था, मतलब जिब्रान भाई के साथ मैं वहाँ खुद अटक गया था। वो सब सही है, बट तू टाइम दिया ना बनता है कि 3 बजे आ जाएगा, फिर ये क्या सीन है। मेरे काम से जाता तो मैं फटफट वहाँ पे कुछ कर लेता, बट मैं क्या बता तो कुछ बोल तो बोला तो था मैं, बट मैं देखो के थोड़ा ऊपर नीचे होएगा। थोड़ा 2.5 घंटा क्या बोला 2.5 घंटा 4 घंटा 3 बजे आने वाला था। कॉल जब किया था कि तुम जा रहे हो जल्दी, बट मैं क्या करूँ उसमें, मगर मतलब जल्दी मैं मेरे काम से थोड़ी गया था कुछ, कि मैं क्लबिंग करने गया था या कुछ, मैं छाटने गया था सामान। बात ही नहीं होती ना ऑनलाइन, सामान लेने गया था ना वहां से। मेन बात पता है क्या है, ऋषि डिफेंड भी करता है ना फिर। अरे इन्हें जाके सामने से बोले हाँ बट सॉरी लेट हो गया मुझे। हाँ तो मैं बोला ना सॉरी थोड़ा लेट हो गया मेरे को, ऐसा नहीं अच्छी। अब क्या अभी तेरे यहाँ पे जमीन में लिड़के ऐसा तेरे पैर पकड़ के सॉरी बोल लिया हम होता है ना। ठीक है, अरे मेरे को क्या यार, तेरा वीडियो था नहीं फालतू में, मैं भी जाग के रखा हूँ ना, क्योंकि मैं खुद वहां पे कैसा कैसा भाग के आया मालूम है। डिस्कस हाँ मैं आपस में क्या, मैं तुम लोग तू भी क्यों बोल रहा है बीच में, फिर हम लोग उसको ही बोलने देना चाहिए था। और मैं कैसा कैसा भाग के आया मालूम है, मैं वहाँ पे जिद कर रहा था कि चल भाई चलो भाई जाने का, ऋषि का वीडियो शूट करना है, मेरे को जाना है। उन लोग भी वो बोल रहे थे कि अभी इतने टाइम बाद भाई का था, मैं क्या करूँ उसमें। अरे भाई इतने टाइम बाद जा रहे तो बता देता, मैं बाद में का रखता, कल का रखता मैं। अरे बट मेरे को भी वही बोला गया था कि रात में अभी जाएंगे सामान लेंगे, वो जो लेने का वहां से आ जाएंगे। मेरे को मालूम अगर इतने टाइम बाद मिल रहा तो तू बोल दे सुकून से कल बना लेते, या फिर तू भी आराम से मिल लेता, मैं भी कल आराम से काम कर लेता। इतना चिल था तो भी तुम लोग चिल ही कर लेते, ना कल ही चिल कर लेते क्या तू। मैं खुद कैसा भाग के आया, अगर तू फोन कर देता कि देख बंडल लेट हो रहा उसको बोल देता तू कल वीडियो बना ले, अभी आज लेट हो रहा है जबरदस्ती जिद कर करके फिर गया। क्या फायदा कोई तो क्या मतलब, मैं वीडियो के लिए आया ना, मैं खुद चले आया था, मैं सुबह से वीडियो के लिए आया हूं। ऑब्वियसली मैं सुबह से निकला हूं, मेरे को खुद को नींद आ रही थी, बट बोला नहीं ऋषि का वीडियो, मैं भाग दौड़ के आया कैसे भी। तो वही से वीडियो के लिए आया था, तो और क्या करना है तेरे को, कोई मतलब नहीं है ना अभी। मतलब के लिए आया, तुम लोग वीडियो के लिए मेरे से इतना लड़ रहे हो नहीं, तू आया नहीं आया नहीं, तो मैं वीडियो के लिए आया नहीं, लेकिन तू बोला वीडियो के लिए भाग के आया, ये तो सब। अरे तो और क्या, मैं इतना लेट हो गया अभी रात के सुबह के 5 बजे, मैं तो नींद आ रही, मैं जाके सो रहा था, अगर वीडियो कुछ काम नहीं रहता तो, बट मैं खुद इतना भागम दौड़ी करके आया ना तुम लोग के पास, और तुम लोग ऐसा बोल रहे हो मैं ऐसा बिहेव कर रहा, जैसे मैं खुद घूमने गया था गर्लफ्रेंड के साथ, आइटम आइटम के साथ घूमने गया था। बोलता है कि वीडियो बनाना नहीं, आइडिया वाइडिंग की बात ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन ही रहा ना बंदे, समझ नहीं रहा हूँ मैं, थोड़ी बोल रहा हूँ तू किधर गया, कहाँ गया, क्या कर रहा है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ये अगर तू बोल रहा है आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अभी मेरे को बताओ वीडियो बनाना है नहीं, अभी क्या बनाएंगे वीडियो, वीडियो तो अभी नहीं बना रहे, फिर चले जाओ, मैं सो जाऊंगा अंदर आके, फिर और क्या बोल दो, नहीं बना मैं रह के सो जाता हूँ फिर। हाँ तो मैं मेरे घर गया,
वहाँ से पूरा वो ड्रॉप वॉप करके फिर मैं यहाँ आया जबरदस्ती, या फिर वापस चले जाओ। और क्यों जाऊँगा मैं वापस, नहीं सो जाऊंगा मैं अभी। तुम लोग को भरोसा नहीं तो मत करो फिर भाई बात बात। भरोसा की बात ही नहीं कर रहे, बना रहे नहीं बना रहे, नहीं बना रहे ठीक है। अच्छा तू तो अभी फिर अंदर जाके सो रहा था ना? नहीं मैं घर आ रहा हूँ अभी, क्यों दिया ना मेरे को? देखो जा रहे, इसको चाहिए जा फिर जा भाई, मेरा बहाना मत ले कि अजान भी हो गई। मैं जाऊंगा नमाज वमाज पढ़ के घर चले जाऊंगा। हाँ जा जा, तेरे को जो करने का कर। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर बोलना नहीं तुम लोग के ये करता है, फिर तुम लोग तू सुनता नहीं है बात को, तू ऐसे कैसे उठ के चला गया, तेरे को काम नहीं भाई, नहीं बोलेंगे आज कल की, कुछ नहीं बोलूंगा। कैसे कैसा बिहेव कर रहे हो तुम लोग, बहुत सारे तू कैसा बिहेव कर रहा है? अरे ले ये लेके जा सामान तेरा, पे ये इधर पड़ा सामान लेके जा। भाई रुक जा, मेरे को जगह मिल गई नहीं। वीडियो के लिए आया, वीडियो बन भी गया पागल, वीडियो बन भी गया पागल, इतना टाइम पास थोड़ी करेंगे हम लोग। सुकून मिल रहा है मेरे को, सुकून मिल रहा है मान कसम भाई। बाकी तुमने मेरे को कसम से इतना इरिटेट कर दिया, इरिटेट नहीं सर, ऐसा लग रहा था कि हम लोग जबरदस्ती जिल्लत देने का ट्राई कर रहे हैं। मैं तेरे को बताऊं, हां मैं तेरे को अभी दिल से बताऊं, मैं ना भागम दौड़ी कर करके मैं लड़ झगड़ के आया हूं ना, मेरे को जाने का, मेरे को जाना है अभी, मेरे को लेट हो गया, मेरे को जाना है, सुबह हो गई, मैं बता रहा हूं मेरे को, देखो 4 बज गए, देखो 4:30 बज गए, निकलते चलो निकलते, ऐसा कर करके तो मैं आया हूं। ड्रॉप करके गाड़ी भगाते हुए नाला सोपारा गया था भाई, मैं नाला सोपारा, गरीबों का सहारा, 5,000 डिपॉजिट, 2,000 भाड़ा। ये देखो ये देखो, समझ रहे हो कि या था नाला से भाई। गाइस वो एक बता, मैं डिपॉजिट देने गया था। एक वीडियो देखा था अभी आते आते, नाला सुपारे के ऊपर एक बंदे ने रैप बनाया था, तो मेरे दिमाग में बैठ गया था। बोली क्या बोली, चिल कैसे हो गया तू वापस? चिल हो गया ना भाई, अच्छा लगा मेरे को। तू तो जा रहा था। बाकी सच बोलूं जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतना थक हार के आया था, मैं सोचा सो जाऊंगा अभी। भाई मैंने बोल दिया ना कि मैं चलो जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ, तो मैंने चलो अभी चले, सच्ची खुश हो गया तू जा रहा था। हाँ क्या बोला, सच्ची खुश हो गया था। हाँ यस, अब तू जा। मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यही सड़ रहा हूँ कब से। अच्छा लगा, अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि क्या हो ना, मैं ऑलरेडी दिमाग खराब में आया और आके तुम लोग दिमाग खराब कर रहे हो, फिर मेरे को पता चला ना जैसे कि पक्षी। अभी बैठ, अभी बैठते वीडियो। मेरे को मालूम था, देख लड़ाई झगड़े तक तो बात नहीं पहुंचेगी, इतनी बिल्ली बात हमने की भी नहीं। बट भाई मैं बर्दाश्त कर रहा था, मैं लिटरली भाई मैं क्यों बर्दाश्त कर रहा था पता है, कि मैं आया लेट, मैं जेन्युइनली आया लेट, तो इसके लिए मैं बर्दाश्त कर रहा था कि चलो इन लोगों को दुख हुआ है बोलने दो, बट ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हो, ऐसी चीजें बोल रहे हो, मतलब तू घूमने फिरने क्या होता है ना, घूमने फिरने तो ये प्रैंक नहीं होता, ठीक है। तू काम से गया था मालूम है, हम लोग भी वेट किए, चिल किए, सोच भी लिए क्या बनाना, आने दो उसको, मतलब ऐसा हो गया ना, तुम लोग चलो लेट हो गया, अभी इसके ऊपर यूज कर सकते हैं कुछ। अभी देख वीडियो है, देखो पता है तू भी वीडियो बनाता है, कॉन्टेंट कितने कम पड़ गए, तो हर चीज में कॉन्टेंट निकालने की आदत पड़ गई। मैं कैसे कैसे पूरा हैंडल वैंडल निकाल के, तो गाइज मैंने कैमरा प्लेस किया था। बाय द वे गाइज, आपको मेरा नया चश्मा दिखा कि नहीं? ऋषि के ब्लॉग में दिख गया, मेरे ब्लॉग में तो नहीं दिखा था। नॉडी बेचारे का घूम गया था लास्ट में, गिर गया था BMW में, मजे ले रहा था। तो गाइज गिर रहा था, बहुत मजा आ रही है। आई गेस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और ज्यादा आपको परेशान नहीं करते, तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लाइक लगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, विदाउट मास्क घर के बाहर मत निकलिए। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city. Smile. You know I'm across it, got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible.